जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद इस फिल्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी भगवान से प्रार्थना रहती है कि आप हमेशा सुख समृद्धि पूर्ण रहें। आपका प्रश्न है आज का कि जब कभी भी आप पूजा आराधना में ज्यादा मग्न हो जाते हैं, जब कुछ अलौकिक शक्तियां, सात्विक शक्तियां आपके आसपास, आपके इष्ट देव की शक्तियां आने लगती हैं, तो आपकी आंख में, कान में, नाक में या मुंह से या आपके आसपास कुछ ऊर्जाएं आपको महसूस होने लगती हैं, और वो आंख, नाक, कान, मुंह के द्वारा कैसे महसूस होती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं। शास्त्रोक्त संत वाणी से संपन्न अनुभव के आधार पर आपके लिए आज ये पूरी जानकारी हम देंगे कि जब कभी भी आप सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं तो इष्ट देव की शक्तियों का अनुभव आपको आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा या आसपास के वातावरण से कैसे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के भक्तों के अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों ने बार बार पूछा है कि दीपक के अंदर अलग अलग प्रकार के फूल बनते हैं, तो वो जो फूल बनते हैं हर पूजा आराधना में अलग अलग बनेंगे, जिसके ऊपर हमने काफी वीडियोस बनाई भी हैं, और वो दीपक में बनने वाले फूल से कैसा फूल बन रहा है, तो कौन से देवता की आप पर कृपा बरस रही है, तो इससे संबंधित काफी वीडियोस चैनल पर हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो भी पूजा आराधना करता है वह दीपक जरूर प्रज्वलित करता है, दीपक जरूर जलाता है, और उस दीपक के अंदर कई बार फूल बनते हैं। कई ऐसे अनजान भक्त हैं, ऐसे अनजान साधक हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस इष्ट की वो आराधना कर रहे हैं वह इष्ट उन्हें दीपक के माध्यम से भी अनेक प्रकार के संकेत प्रदान करते हैं कि वह साधना उन इष्ट देव ने स्वीकार की है या उसमें कुछ त्रुटियां हैं। इनके संकेत दीपक के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाते हैं। उस दीपक में बनने वाले फूल, जिसे साइंटिस्ट कार्बन डिपोजिशन बोलते हैं, तो उसके माध्यम से होते हैं। अब आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का अस्तित्व अनुभव करने के योग्य है, वह कभी भी भगवान के अस्तित्व पर आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं मान रहा है, जब उसे अनुभव होगा वह तभी मानेगा। तो किसी व्यक्ति को फूल गिर रहा है पूजा आराधना के समय, देव पर चढ़ाया हुआ फूल नीचे गिर रहा है, तो वो समझते हैं कि बस ऐसे ही रख दिया होगा कि वह बैलेंस नहीं बन पाया और गिर गया है, परंतु उनके माध्यम से भी बहुत संकेत प्राप्त होते हैं आपको। आप अपनी पूजा आराधना में अलग अलग प्रकार से संकेत प्राप्त करते हैं, जिनसे संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर भी हैं। कैसे दीपक में हनुमान जी की तस्वीर उभर आती है दीपक के फूल में, कैसे वह मुंह खोल करके वस्तुओं को ग्रहण, भोग को ग्रहण कर रहे होते हैं, कैसे गणपति जी ज्योत पर प्रकट हो जाते हैं और वो अपना पूरा आकार, जैसा कि आप चित्रों में देखते हैं, चित्रपट में या मूर्तियों में देखते हैं, वैसे का वैसा यूं का यूं आकार आ जाता है। और एक अकेला नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने डाली हैं, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, जिनमें अलग अलग अनुभव के आधार पर हमारे दिए में, दीपक के अंदर बनने वाली फूल से अनेक प्रकार के संकेत जो आप लोगों को भी प्राप्त हो सकते हैं वो बताए गए। तो जब आपकी साधनाएं बढ़ने लगती हैं तो आपके इष्ट देव आपसे खुश होने लगते हैं, वो भी आपको, जैसे आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी उतनी ही, उससे भी ज्यादा, हजारों लाखों गुना शक्ति से आपकी ओर अग्रसर हो जाते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं जल्द से जल्द, और ये बताना चाहते हैं कि आपकी साधना को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं। तो ये कुछ ऐसे संकेत वो देना आरंभ कर देते हैं जिनके माध्यम से आपको पता लग सके कि आपसे, आपके इष्ट देव, आराध्य देव प्रसन्न हो चुके हैं। उन्हीं में से एक दो ये अनुभव हैं जो आज की वीडियो का हमारा प्रश्न चल रहा है कि जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, सामान्य साधना करते हैं, परंतु आपकी साधना, आपके इष्ट देव आपको बताना चाहें कि हाँ बेटा मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ, या आपके गुरुदेव ये संकेत करना चाहे कि बेटा आज मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता, तो वो कैसे बताएंगे?
साक्षात अनुभव होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, साधना की पराकाष्ठा आ जाती है, स्वप्नों में दर्शन हो जाना देवों के, देवों से बातें होना बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो बहुत ऐसे अनुभव हैं, उन्हीं में से आज की वीडियो का जो प्रश्न है उसका जवाब कि आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में कैसे आपको ये झंझनाहट या गुनगुनाहट महसूस होने लगती है, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको ये फील हो सकता है कि जो आपकी आंखें हैं, आंखों से कुछ ऊर्जा अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, कुछ ऐसा करंट सा महसूस हो रहा है आपको आंखों के माध्यम से। जब आप अपने इष्ट की तस्वीर की तरफ आप देख रहे हैं तो वह यूं महसूस होगा आपको कि कुछ ऊर्जा अंदर जा रही है, ऐसे अंदर। या आपको कई बार ऐसा अनुभव होगा कि आंखों से ऐसे कुछ वाइब्स, वाइब्रेशंस, वेव्स ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। कई बार कान में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि एकदम से ऐसे कुछ वेव्स कान में जा रही हैं, या कुछ ध्वनियां सी गुंजने लग रही हैं, कुछ गुंजन सा हो रहा है। जैसे आप आंख खोल कर देखते हैं आसपास में कुछ नहीं होता ऐसा, परंतु फिर से आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो आपको कुछ ढोल नगाड़े या कुछ इस तरह वायलिन की आवाज़, कुछ बांसुरी की आवाज़, कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देनी आरंभ हो जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव आपके आसपास अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वह ऊर्जा आपको इस रूप में प्राप्त हो सकती है कि उसमें आपको ऐसे कुछ वाइब्रेशंस, कुछ कंपन महसूस होना शुरू हो जाए शरीर के अंदर, या आपके शरीर के कुछ अंगों में ऐसी हलचल सी महसूस होने लग जाए, मुंह में से ऐसा आपको फील हो कि कुछ अंदर ही अंदर कुछ मधुर, जैसे कुछ मीठा मीठा सा अपने आप अनुभव होना आरंभ हो जाए कि कुछ मीठा मीठा सा मुझे लग रहा है। एक भक्त एक संत के यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे ना कभी भी ध्यान नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ध्यान नहीं लग रहा तो आप ये बताइए आपको सबसे प्रिय क्या चीज है। उसने कहा कि मुझे दूध सबसे प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि सोमरस का पान होता है ध्यान की गहराइयों में। आप अपनी जिह्वा को ऐसे फोल्ड करके ऊपर और पीछे जो गले के अंदर जो घंटी सी एक लटक रही होती है इस तरह से, उसकी ओर उस जिह्वा को ले जाइए और ध्यान को केंद्रित ऐसे कीजिए कि वहां से सोमरस की प्राप्ति हो रही है। तो उन संत महात्मा के द्वारा ऐसा अभ्यास की क्रिया दो चार दिन बैठा कर सामने करवाई गई, समझाया गया और फिर उसे कहा गया कि आप अपने अब घर पर भी इस प्रकार से क्रिया को दोहराते रहें। तो उसने किया। 3 महीने बाद वह साधक वापस आया और उसने बताया कि मुझे अब जब कभी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कुछ मीठा मीठा सा स्रोत ऐसे लगता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है और मेरी पूरी जिह्वा मीठा मीठा महसूस करने लगती है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है जो ध्यान शुरू में तो आप अपनी प्रैक्टिस के आधार पर अभ्यास करना आरंभ करते हैं, परंतु जब धीरे धीरे उसमें तन्मयता, उसमें उन्नति के शिखर जब आप छूने लगते हैं तो आपको अलग अलग, जरूरी नहीं कि सभी के अनुभव एक जैसे होते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव आपकी साधना और शक्तियों के प्रभाव से महसूस होने लगते हैं। जैसे बताया आंखों में अलग सी एक एनर्जी आपको प्रवाहित होती महसूस होगी, आ रही है जा रही है, या कानों से इस तरह की वाइब्रेशंस, या नाक के अंदर आपको ऐसा ध्यान लगाते ही महसूस होने लग जाए कि कुछ खुजली सी हो रही है और मैं इसके अंदर बिल्कुल उंगली से या किसी भी माध्यम से साफ करूं, नाक को बार बार फूं फूं करूं और बिल्कुल खुजली अंतरिम लेवल की हो जाए, स्तर की हो जाए। तो ऐसे में आप कभी डरे ना, डरना नहीं चाहिए। ध्यान की गहराइयों में गुरुदेव का सुमिरन करें, अपने इष्ट का सुमिरन करें और उनका ध्यान लगातार बनाए रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए, जिससे आपको साधना में उन्नति तो मिलेगी ही मिलेगी, परंतु ये जो आपके अनुभव होंगे इन्हें भी साथ साथ लिखते रहिए एक डायरी में। आप बाद में अपने गुरु से या किसी भी एक सच्चे साधक से उन्हें शेयर कीजिए और उनसे उस बारे में कुछ ना कुछ आप अच्छा जो है चर्चा करके जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, साधना में उन्नति के पथ पर आप और अग्रसर हो पाएंगे। तो इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जो भी इष्ट की आप साधना करते हैं उसकी ऊर्जा आपके कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से या गले में कुछ ऐसा तालु में आपको महसूस होने लगे कि कुछ अलग प्रकार का अनुभव, तो ये
आप ध्यान रखें कि आपके किसी भी अलग अलग प्रकार के अंग में साधना के उन्नतियों के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, कुछ दर्द भी हो सकता है। आप कई बार उसका डॉक्टर इलाज तो कराते ही हैं, डॉक्टर के पास टेस्ट कराते हैं, परंतु डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप ये बात भी जरूर ध्यान में रखें कि जो आप साधना करते हैं, जिस इष्ट देव की आप आराध्या की साधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे इष्ट देव, यदि आपकी ऊर्जा के कारण ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो आप मुझे इसका अनुभव या इसका प्रत्यक्ष कुछ ऐसा एहसास कराएं जिससे मैं समझ सकूं कि यह आपकी ही ऊर्जा का प्रमाण है या आपकी ऊर्जा के कारण ऐसा हो रहा है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे प्रकार के अनुभव होंगे, या तो सपने के माध्यम से, या साक्षात के माध्यम से, या ध्यान में अलग अलग प्रकार के वो जो आपको अनुभव होंगे उनसे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी किसी भी समस्या के सरल से सरल समाधान के लिए हमारी लाइव में भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल की लाइव में जुड़ें। और यदि कोई समस्या ऐसी है जो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टा ID है हमारी बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या लाइव में जुड़कर भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपने इष्ट देव का जयकार आप जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की।